डॉक्टर वाईपी शर्मा प्राचार्य राजकीय बल्लभ कॉलेज मंडी की तरफ से दिव्य हिमाचल की 26वीं वर्षगांठ व नववर्ष 2023 की प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सर्व देवता सेवा समिति की कार्यकारिणी की बैठक संस्कृति सदन में अध्यक्ष शिवपाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक शुरू करने से पहले सर्व देवता समिति की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया और 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान सर्व देवता समिति के अध्यक्ष शिवपाल शर्मा ने कहा कि समस्त आए हुए करदारों ने पड्डल मैदान जहां देवी देवता बैठते हैं उसका निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि सर्व देवता समिति पुलिस अधीक्षक जिला मंडी से आग्रह करती है कि मंदिरों में शरारती तत्वों के आने पर पाबंदी लगाने के लिए गश्त बढ़ाए ताकि मंदिर का वातावरण दुरुस्त रहे। शिवपाल शर्मा अध्यक्ष सर्व देवता कमेटी जिला मंडी आज हमारी कार्यक्रम की बैठक थी। इस बैठक में हमारे जो अभी शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला 2023 में आ रहा है उसके बारे में उसके संबंध में चर्चा की गई। ये तो पहले भी हमने माननीय जिला देशमंडी को लिख के दिया हुआ है कि जो पद्म ग्राउंड है जहाँ हमारे देवी देवता बैठते थे उसमें जो भवन का कार्य लगा हुआ है प्रशासनिक भवन का कार्य लगा हुआ है वहाँ उसका मटेरियल पड़ा हुआ है इसको खाली कर दिया जाए। गत वर्ष भी हमने देवी देवता यहाँ बिठाए थे कुछ देवता आगे पीछे एडजस्ट किए थे मगर उसका प्रशासन ने कहा था कि अगली शिवरात्रि में यह स्थान बिल्कुल ठीक किया जाएगा पर अभी तक उस स्थान में वैसे ही मटेरियल पड़ा हुआ है। समस्त कार्यदारों ने इसकी मांग रखी थी कि देवताओं को अगर सही स्थान ना मिले और उनका मान सम्मान ना मिले बार बार देवताओं को आगे पीछे जाना पड़े तो ये देवते का जो है सम्मान भी कम हो रहा है और देव परंपरा के अनुसार भी गलत हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा प्रशासन से इसको सिर खाली किया जाए और जो देवी देवता डिस्टर्ब हुए हैं उस स्थान से उस उनके लिए जो नया स्थान हमने चिन्हित किया है प्रशासन द्वारा भी उसमें मौका करा दिया है और कार्रवाई स्टार्ट कर रहा है उसको भी अतिशीघ्र किया जाए ताकि शिवरात्रि में हम देवी देवताओं को ठीक तरह से बिठाया जा सके उनके मान सम्मान में कोई ठेस न पहुँचे क्योंकि हमारी जो संस्कृति धरोहर है ये हर जन समाज से जुड़ी हुई है। हर देवी देवता जो मंडी आते हैं कई लोग कई बुजुर्गों उनकी मानता होती है तो वो भी चाहते भी हमारे देवता देवताओं का सम्मान ठीक रहे तो इस पर सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ प्रशासन अनुरोध करता हूँ इसमें जरूर ध्यान दें गौर करें। दूसरा हमारे जो मंदिर है जंगलों में भी है पूरे मंडी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ मंदिर है इसमें पर्यटक बड़े आ रहे हैं। पर्यटक आने में क्या है कि कुछ शरारती तत्व भी साथ आ रहे हैं वो रात को वहाँ कहीं पिकनिक करते हैं कहीं नशा इत्यादि करते हैं उससे वातावरण गाँव का भी खराब हो रहा है और मंदिरों का एरिया भी खराब हो रहा है। तो इसके लिए मैं पुलिस अधीक्षक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक गश्त तैयार किया जाए ताकि वो डे एंड नाइट गश्त उन मंदिरों में की जाए ताकि भय रहे उनको शरारती तत्वों को ताकि मंदिर इससे मंदिर का वातावरण ठीक रहेगा और गांव के लोग भी आसानी से सो सकेंगे। जो कारदार हमारे छोटी मार्कंड एरिया उन्होंने अभी बताया इस मीटिंग में कि उनके वहाँ फोल्डर का काम चला हुआ है और वहाँ हमारे 3 देवी देवता हैं एक तो छोटी मार्कंडे का भंडार है एक देव डाबू है और एक माता कुंसी है उसके स्थान है वहाँ उनमें दरारें भी आ गई है और जमीन भी धस रही है क्योंकि संस्कृति धरोहर को बचाने के लिए या तो सरकार इनको नई जगह दी जाए ताकि समय अनुसार वो अपना प्रबंध करें या उस स्थान को सेव करने के लिए कोई प्रबंध किया जाए। मैं सरकार से और प्रशासन से सवाल अनुरोध करता है कि हमारी संस्कृति धरोहर जो है वो जीवित रहे। तीसरा हमारे सभी का यही कहना है कि हमारा जो शिवरात्रि मेला है ये रियास टाइम से चला रहा है रियास के समय से जहाँ जहाँ भी देवता बैठाड़े गए उसमें मानव सम्मान मान सम्मान मिलता रहा। जहाँ पटल स्थान था हमारा पटल में प्राचीन समय से राजू के टाइम से ही हमारे मेले चले आ रहे हैं 2 मेले यहाँ पटल में होते थे 2 जो शेरी में होते थे 2 टांडा में होते थे इस तरह मेलों का डिस्ट्रीब्यूशन था। अब मेले सारे ही हमारे पटल में आ रहे तो इससे क्या है कि देवताओं की संस्कृति को बचाने के लिए जैसे हमारे इंटरेस्टिंग मेला कुल्लू में है हमारा रामसर है रणुका मेला है कोई भी देवते का स्थान हिलजुल नहीं करते हैं ना ही गांव में हम करते हैं
तो ये भी सबका कहना है भी बार बार इस इन स्थानों में डिस्टर्बेंस होती रही, तो इसलिए सुनिश्चित स्थान पठन में किया जाए, सुनिश्चित स्थान पठन में दी जाए देवताओं को, ताकि बार बार ये मिल जाए उसको, ये इनका सबका कहना है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। जिला परियोजना अधिकारी एवं प्रधानाचार्य डाइट मंडी बलवीर भारद्वाज की तरफ से दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप की 26वीं वर्षगांठ एवं नववर्ष 2023 की प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश की अग्रणी अखबार दिव्य हिमाचल की वर्षगांठ पर पाठकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ साथ हम हिमाचल प्रदेश के सभी तमाम जनता को, आवाम जनता को, अपने प्रवक्ता परिवार की तरफ से, अपने अध्यापक साथियों की तरफ से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि सभी के लिए आगामी जो वर्ष है वो मंगलमय हो। धन्यवाद।